चिल्ड्रेन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंसर ऑफ कोऑपरेशन मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन फर्स्ट हु वाज हम्पटी हम्पटी कौन था तो आंसर ऑप्शन दिया हुआ है डॉक बी चिक सीराट डी इंसेक्ट तो हम्पटी चिक था तो यहाँ चीक पर हम लोग टिक मार करेंगे चिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हु वाज डम्पटी डम्पटी कौन था ऑप्शन है चिक रेट इंसेक्ट एंड डक तो हम जानते हैं कि डम्पटी डक है तो यहाँ पर हम लोग डक पर चिक करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री वन डे दे वेन टॉप वन दिन वे गए कहाँ गए फोर ऑप्शन है ट्री है बी हिल है माउंटेन है और रूफ है तो एक दिन वे लोग हिल पर गए तो यहाँ पर हील पर हम लोग टिक करेंगे फोर नंबर हु डिड नॉट नो हाउ टू स्विम कौन तैरना नहीं जानता है तो कौन तैरना नहीं जानता था तो ऑप्शन दिया हुआ है हम्पटी, बी डम्पटी सी राइट डी ऑल तो हम लोग जानते हैं कि हम्पटी को तैरना नहीं आता था तो यहाँ पर हम्पटी में हम लोग टीक कर देंगे मैच द फॉलोइंग अब हम लोगों को इनको मैच करना है तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट में हम्पटी है तो हम्पटी को हम लोग चिक से मिला देंगे दो टू नंबर में डम्पटी है तो डम्पटी को डक से हम लोग मैच करेंगे थ्री नंबर में राइट है तो राइट को हम लोग वाम से मैच करेंगे फोर नंबर में कोल्ड वाटर है तो इसको हम लोग पॉन्ड से मैच करेंगे राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट ए हम वाज वेजिटेरियन या बात सही है तो यहाँ पर हम लोग टी लिखेंगे डम फेल ऑफ द हिल यहाँ पर सही है तो यहाँ पर हम लोग टी लिखेंगे द रैट डाइड एट लास्ट तो हम लोग तो मरते हुए उसको नहीं देखा इसलिए यहाँ पर हम लोग एफ लिख देंगे फोर द र स्वीरिंग इन कोल्ड वाटर यह सही है तो यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे फाइव नंबर कॉपरेशन इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल यह बिल्कुल सही है तो यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे अब एंसर द फॉलोइंग अब इसका हम लोगों को आंसर लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट हम व्हाट डिड हम्टी एंड डम्पटी सी ऑन द हिल हमटी और डम्पटी पहाड़ पर क्या देखें तो आंसर होगा हम्टी एंड डम्पटी सा अ लिटल वाम द वज वेगिंग राइट एंड लेफ्ट हमटी एंड डम्पटी सा अ लिटल वम दाम वाज वेगिंग राइट एंड लेफ्ट हमटी और डम्पटी एक छोटा सा केचुआ देखे और वह केचुआ दाएँ और बाएँ मूव कर रहा था क्वेश्चन नंबर टू व्हाई डिड डम्पटी स्क्रीम डम्पटी क्यों चिल्लाया तो आंसर होगा डम्पटी सा आ रेट एंड स्क्रीम आउट डम्पटी ने कीचुआ समझा था पर जब वह खींचा तो चूहा देखा और इसलिए वह चिल्लाया क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई वाज द रेट स्विमिंग इन कोल्ड वाटर चूहा ठंडा पानी में क्यों कांप रहा था तो आंसर होगा रैट वॉज स्विमिंग इन कूल वाटर चूहा चु, ठंडा पानी में इसलिए कांप रहा था क्योंकि ठंडा पानी में वह पहले पहल गिरा था क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड दे केम आउट ऑफ द पॉन्ड वे तालाब से बाहर कैसे आए आंसर होगा हमटी कॉट डम्पटीज बैक फेदा एंड ट्राई टू स्विम द रैट जम्प अपन हम्पटीज बैक एंड ट्राई टू कॉन्सिल हिम सेल्फ इन द फेदर्स दे स्टार्टेड टू स्विम टूआर द शो हम्पटी डम्पटी का पिछला फेदर पंख पकड़ लिया और तैरना शुरू किया चूहा कूद कर हम्पटी के पीठ पर बैठ गया और उसके पंख को पकड़ लिया उसके बाद हमटी और डम्पटी किनारे की ओर तैरना शुरू किए आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब आप इसे लाइक करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो